In the chapter Economy and Occupations, our next topic is occupations, that is agriculture in India. Previously we had learned about agriculture in Brazil. अब हम इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे. तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, अनलाइक ब्राजील, ब्राजील एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया. It contributes high percent to GDP as compared to Brazil. Brazil के मुकाबले ये India के GDP में ज़्यादा योगदान देता है. GDP का मतलब होता है gross domestic products. Okay? जो India की पूरे साल की economy है उसके अंदर इसका contribution, Indian agriculture का contribution ज़्यादा है. और large amount of population, लार्ज जंक ऑफ पॉपुलेशन, जंक मतलब अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो एंगेज. यानी कि इस ऑक्यूपेशन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ जंक ऑफ पॉपुलेशन भी एंगेज है इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर. इंडिया के अंदर 60% ऑफ लैंड इज कल्टिवेबल. कल्टिवेबल मतलब उपजाऊ जमीन, उपजाऊ जमीन. यानी कि यहाँ पे खेती बाड़ी हो सकती है अप्रॉक्सीमेटली 60%. यानी कि ज्यादातर जो लैंड है वो कल्टिवेबल ही है. कल्टिवेबल इसके फैक्टर्स देखेंगे. इंडिया में एग्रीकल्चर इतना ज्यादा होने के फैक्टर्स के एनॉर्मियस एक्सपांस ऑफ लेवल प्लेन, रिच सॉइल, यानी कि यहाँ पे जो सॉइल है वो काफी न्यूट्रिटिव सॉइल है. यानी कि सॉइल्स के अंदर काफी मात्रा में न्यूट्रिशंस है. तो प्लांट्स के लिए ग्रो होने के लिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस लगते हैं. तो यहाँ पे जो सॉइल है वो उसके अंदर काफी न्यूट्रिशंस है जिससे प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है और प्लांट को ग्रो होने में ताकत मिलती है. वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन, वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट मतलब इंडिया के अंदर अलग अलग, आपको जैसे कि पता ही है कि अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर्स, अलग अलग टाइप के प्लांटेशंस, अलग अलग टाइप्स के ट्रीज अलग अलग क्लाइमेट में ग्रो होते हैं. तो इंडिया के अंदर वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स है. जैसे कि आपको पता है रेनी सीजन्स भी इंडिया के अंदर है और विंटर सीजन्स भी और समर सीजन्स भी है. इसके लिए इंडिया के अंदर वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स देखे जाते हैं. उसके वजह से यहाँ का एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अच्छा है. लॉन्ग ग्रोइंग सीजन यानी कि यहाँ जो सीजन होता है वो लॉन्ग ग्रोइंग होता है, लंबा सीजन होता है ग्रो होने के लिए. इसके लिए हम काफ़ी मात्रा में एग्रीकल्चर कर सकते हैं. अब हम इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे. इसका फर्स्ट टॉपिक है, इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो है सबसिस्टेंस टाइप का. सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होता है वो एग्रीकल्चर होता है कि जो खाली इंडियन पॉपुलेशन के लिए ही बना होता है. जो फार्मर्स सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए एग्रीकल्चर करते हैं उसको सबसिस्टेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बोला जाता है. यानी इंडिया के अंदर मेनली सबसिस्टेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ही किया जाता है. इससे क्या होता है कि इंडियन पॉपुलेशन को ही इसका फायदा होता है. एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत कम एग्रीकल्चर किया जाता है, बहुत कम मात्रा के अंदर. तो मेजर मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या है, वीट,
मेजर ग्रेन्स, मेज, राइस, मिलेट्स। मिलेट्स का मतलब होता है बाजरा, और शोरगम, शोरगम का मतलब होता है चारा, जो गाय वगैरह खाते, भैंस वगैरह खाते, जो चारा होता है ना उसको शोरगम बोलते हैं। और कैश क्रॉप देखा जाए तो शुगर केन, कॉटन और वूल, सॉरी नॉट वूल, कॉटन। ये है इंडिया के कैश क्रॉप्स। इंडिया के अंदर टी, कॉफी की भी प्लांटेशन होती है, टी और कॉफी के भी प्लांटेशन होती है। कॉफी मेनली असम साइड के, जो इंडिया का ईस्ट साइड है, ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफी की प्लांटेशन होती है। क्योंकि असम का जो सॉइल है वो कॉफी के लिए बहुत अच्छा है, सॉरी टी, टी ग्रो करने के लिए, टी प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा है, रिच सॉइल है। जो कॉफी, जो टी प्लांट के लिए जो न्यूट्रिशंस लगते हैं वहाँ के सॉइल्स में, वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। इसके लिए टी की खेती वहाँ पे होती है, और वहाँ का क्लाइमेटिकल कंडीशन भी टी के प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत से फ्रूट्स भी हैं जो इंडिया प्लांट करता है, एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल। मैंगो मैक्सिमम महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी में पाए जाते हैं, और एप्पल्स कश्मीर के अंदर। और ऑरेंजेस नागपुर के अंदर। तो ये सब थे फ्रूट्स, कैश क्रॉप्स, शुगर केन्स, कॉटन्स एक्सेट्रा। और प्लांटेशंस के अंदर देखेंगे तो टी और कॉफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस की जाती है। मेजर क्रॉप्स, मेजर ग्रेन्स में देखेंगे तो व्हीट, मेज, राइस, मेलेट्स और सोरगम। और ये था इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में।